हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि सोलांग वैली मनाली होते हुए हम लोग सिसु के अंदर पहुंचे हैं, तो वीडियो वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो ज़्यादा पार्ट हम सिसु का उसके अंदर ले नहीं पाए थे। तो ये सेकंड जो वीडियो हमने बनाया, ये बनाया इसलिए कि सिसु जब आप आते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कितनी स्नो है, क्या क्या यहाँ पे स्टे ऑप्शंस है, तो ये सारा का सारा हम चाहते थे वीडियो में इंक्लूड करना, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता, इसलिए ये स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं सिसु का, सिसु वाटरफॉल, सिसु लेक, ये सारा का सारा इसके अंदर कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और खूब सारा प्यार इस वीडियो को देख दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं कि हम लोग मनाली के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस, उनके अपडेट्स इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी आप मनाली में आते हैं या आपका कोई नॉन, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड मनाली का प्लान कर रहा है, तो काफ़ी यूज़फुल हमारे वीडियोज़ उनके लिए होते हैं, तो उनको ये वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं जो भी लोग मनाली का प्लान कर रहे हैं। तो खूब सारा प्यार इस वीडियो को देना और पूरा वीडियो देखिएगा। सिसु आप जब भी आते हैं तो सबसे मेन यहाँ पे होता है सिसु वाटरफॉल का ट्रैक, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 10 से 15 दिन में जैसे ये स्नो कम होना शुरू होगी तो ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जिप लाइन से सिसु वाटरफॉल का ट्रैक कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे जिप लाइन के काउंटर्स हैं, जितने भी ये वायर वगैरह आपको दिख रही है। चंद्रा रिवर क्रॉस करके आपको जाना है। ये ट्रैक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का है और काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, काफ़ी मज़ा आता है। गर्मियों में बहुत अच्छा पानी होता है यहाँ पे, और ये बहुत सारे जिप लाइन के काउंटर है। 400-500 रुपये एक बंदे का चार्ज होता है आने जाने का। तो जिप लाइन के ज़रिए आप लोग ये ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जिप लाइन तो एक्टिविटी में आ ही गया, उसके अलावा यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं, ATV बाइक राइड कर सकते हैं और यहाँ पे स्कीडू कर सकते हैं। तो ये 3-4 एक्टिविटीज़ है जिसका आप मज़ा ले सकते हैं सिसु के आसपास जब भी आप स्टे करते हैं। और काफ़ी सुंदर यहाँ की सीनरी है, ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे पेड़, काफ़ी अच्छे व्यू। तो ये एक्टिविटीज़ करने के बाद उसके बाद नंबर आता है सिसु लेक का। तो अभी हम लोग सिसु लेक की साइड चलते हैं यहाँ से। ये है यहाँ पे सिसु हेलीपैड, जो कि पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं जब भी आप सिसु की तरफ आते हैं। और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और जब ये पार्किंग ग्राउंड फुल हो जाता है तो इसके साइड में और भी कई सारे पार्किंग ग्राउंड यहाँ पे बना रखे हैं, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ आप पार्क करके सिसु लेक की तरफ, सिसु वाटरफॉल की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे रेंट पे आपको स्नो ड्रेस, स्नो बूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और कैफ़े पे यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मैगी, मोमोज़, उसके अलावा यहाँ पे राजमा राइस वगैरह ऐसे खाना भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो सिसु में एक ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप गाड़ी को यहाँ पे ला के गोल गोल घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्लेन ग्राउंड बहुत ही कम मिलते हैं। और ये देखिए ट्रैक्टर पे अभी मज़े चले हैं, तो आप लोगों ने अगर गाड़ी पे भी ऐसे स्टंट मारने हैं तो आप ज़रूर से आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी है जहाँ पे बैठ के आप हर तरह का खाना खा सकते हैं। उसके अलावा आप खुद से भी कुकिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे ये 500-600 रुपए का चूल्हा आ जाता है, 150-200 का सिलेंडर है, उसके साथ एक कैटल रखी, कॉफ़ी पाउडर या जो है चाय वगैरह आपने रखी, तो बड़े अच्छे से आप यहाँ पर बढ़िया इन्जॉय कर सकते हैं। ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते सिसु के अंदर, और सिसु का सबसे अच्छा टाइम अभी है आने का। अभी जितनी भी स्नो आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्नो है, स्नो एक्टिविटीज़ है, तो 10 दिन में ये ज़्यादातर स्नो ख़त्म हो जाएगी या फिर इतनी हार्ड हो जाएगी कि इसके ऊपर से चल के आप जा रहे हैं और स्नो के अंदर आपके पाँव भी नहीं जा रहे, तो उस टाइम पर आपको कोक्सर जाना पड़ेगा अच्छी स्नो के लिए। तो आज 19 मार्च हुई है
और अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ही सिसु और अटल टनल ओपन हुए थे, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे आने का, बहुत फ्रेश नो आपको मिल जाती है और काफ़ी रोड के दोनों तरफ भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्नो यहाँ पे अभी दिखते हैं, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो बाद में वो मज़ा नहीं है सिसु आने का कुछ दिनों बाद। तो अभी अगर आप 1st वीक ऑफ अप्रैल तक आते हैं तो सिसु आ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो आपको कोक्सर की तरफ जाना होगा अच्छी स्नो के लिए। और अभी हम यहाँ से जाएंगे सिसु लेक की ओर और वहाँ का वीडियो भी आपको दिखाते हैं लेक अभी कैसी है। और ये अभी हम लोग सिसु लेक के पास जा रहे हैं अभी, और ये देखिए यहाँ पे एक कपल दिखाई दे रहा है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत दूर एक पुलिसकर्मी है ये देखिए, जो यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए तैनात है ताकि कोई लेक के अंदर ना जाए, और लेक के अंदर जाके क्योंकि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से क्या है कि आप लेक के अंदर जो है डूब सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी यहाँ पे है, और लेक की तरफ अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सोलांग वैली जब भी हम जाते हैं तो पाँव जाता है बर्फ़ के अंदर, और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल भी पाँव बर्फ़ के अंदर नहीं जा रहा, यहाँ पे सिसु के अंदर जो अभी बर्फ है ये ज्यादातर हार्ड है एज कम्पेयर टू सोलांग वैली एंड अंजनी महादेव टेम्पल, तो ये काफी हार्ड है यहाँ पे। और अभी चलो 8-10 दिन तक तो आपको मजा आएगा यहाँ पे आने का, उसके बाद सिसु नाम नाम का रह जाएगा, इतनी ज्यादा ब्यूटी नहीं होगी, उसके बाद केवल सिसु वाटरफॉल का ट्रैक में आपको मजा आएगा, स्नो के लिए आप यहाँ पे नहीं आ सकते, स्नो के लिए तो आपको कोक्सर ही जाना होगा उस टाइम पे। सर्दियों में यहाँ पे ज़्यादातर फ्लाइज जो है बंद हो जाती है, तो ये कुछ आइसक्रीम की जो है रिक्शा वगैरह है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जब इनके पास नेचुरल स्नो इतनी ज़्यादा है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे, तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जा रहा, बिल्कुल ऑर्गेनिक कुल्फियाँ यहाँ पे ये लोग बना के सेल कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है इनको वो केमिकल वाली कुल्फियाँ जो है यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खिलाने की। तो अगर कोई भाई वीडियो देख रहा है लोकल, तो ये एक इनिशिएटिव आप शुरू कर सकते हैं, सर्दी सर्दी में यहाँ पे बढ़िया नेचुरल चुस्की बनाओ और लोगों को टूरिस्ट को खिलाओ, तो टूरिस्ट भी खुश होंगे और आपको भी फ्री का रोज़गार मिलेगा। बस वो जो बर्फ़ आप यूज़ करो वो ऐसी हो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो साफ सुथरी हो, और यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह तो है नहीं, गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ये चीज़ शायद की जा सकती। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है और क्या क्या दिक्कतें आएगी यहाँ पे ये चीज़ करते हुए, और अगर शुरू करते हैं तो टूरिस्ट को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये सिसु लेक है, यहाँ पे बोर्ड आप देख सकते लगा हुआ, यहाँ पे है सिसु लेक के पास जो बोटिंग होती है उसका टिकट काउंटर, और अभी जो यहाँ पे बोट्स है उनकी कंडीशन क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी की सारी अभी बोट्स ज़्यादातर स्नो से कवर है ये, और अभी यहाँ से हम चलते हैं लेक की ओर, लेक भी दिखाते हैं आपको। तो ये है यहाँ पे सिसु लेक अभी, जो कि पूरी तरीके से जमी हुई है, और जो लेक के ऊपर आप ये विलेज देख रहे हैं, ये जो दूर से मकान वगैरह होटल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सिसु गांव के अंदर है, और सिसु से थोड़ा आगे ये शशिन गांव है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। और अभी सिसु लेक से थोड़ा सा और हम पीछे की ओर चलते हैं और सिसु विलेज भी आपको दिखाएंगे, और सिसु आने के लिए रोड्स कैसे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो दूर वीडियो में आप देख रहे हैं ये पुलिसकर्मी है जो कि यहाँ पे तैनात रहते हैं, कोई टूरिस्ट गलती से लेक के अंदर ना चला जाए, गलती से भी और कई बार जानबूझ के भी लोग वीडियो के लिए फोटो के लिए चले जाते, ऊपर से उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है लेकिन नीचे से बर्फ पिघली होती है, तो जो है आप जैसे ही उसके ऊपर से जाएंगे एकदम से आपका पाँव बर्फ़ के अंदर चला जाता है, जिस वजह से आप डूब सकते हैं यहाँ पे।
तो आप जब भी ऐसी जगह पे आते तो अपना ख्याल रखिएगा, और जो यहाँ का प्रशासन है तो उनकी जो भी हिदायतें निर्देश वगैरह दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन, तो उनका ख्याल रखिएगा, वो सारे के सारे आपकी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। तो सिसुल लेक से हम लोग वापसी की ओर अभी जा रहे हैं, और एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, जैसे आदिमानव होते थे, गुफा वगैरह में रहते थे पत्थरों के नीचे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट सिसु के अंदर आपको मिलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा ये पॉइंट है, और यहाँ पे आप ऐसे करके इसके बीच में ऐसे घुस के जा सकते हैं, और ये देखिए अगर कोई जानवर आता है तो ये आपके पास सेफ्टी के लिए भाले रहते हैं, उसका आप ऐसे करके उसको डरा सकते हैं, ये भाले वगैरह दिखा के। काफ़ी सारे भाले हैं यहाँ पे, देखिए हर साइज़ का हर आकार का भाला आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, पूरा का पूरा बंदा बड़े मज़े से यहाँ पे सो सकता है। अभी निकलते हैं यहाँ से, ये देखो हमें देख के शायद इसका मकान है, ये ढूंढ रहा है अभी क्या है इसके नीचे, जाओ ढूंढ के आप, है ना। हम तो ये अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और देखिए ये काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ है, जिनके बीच में जाके बहुत अच्छी फोटोज, बहुत अच्छी वीडियोज, रील्स वगैरह आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। पेड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्नो, ये देखिए अभी, और यहाँ पे भी खूब सारा एडवेंचर आप स्नो के बीच में कर सकते हैं, इन पेड़ों के बीच में जाके। और ये रोड भी देखिए अभी जब आते हैं नीचे की ओर तो काफ़ी मज़ा आता है, बीच में कुछ जगह गड्ढे होंगे, सामने से गाड़ी आ जाएगी तो हो सकता है 200-400 मीटर आपको गाड़ी बैक करके लेके जानी पड़े पासिंग के लिए। और अभी 2.5-3 फीट स्नो तो बड़े आराम से है यहाँ पे रोड के दोनों साइड। और अभी यहाँ से हम लोग गांव की ओर चल लेंगे, और वहाँ पे भी देखेंगे कि होटल्स वगैरह की क्या कंडीशन है, चालू है नहीं है, और क्या टैरिफ चला है, ये तो ये सब इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, और ये ऊपर से भी सिसुल लेक का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, और ये देखिए अभी गाड़ी हमारी। और जिसको भी मनाली की होटल की कोई बुकिंग या टैक्सी की बुकिंग करनी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7990-7500, और आप इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मनाली के अपडेट्स के लिए। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर व्यू है, और जो स्नो अटल टनल के पास हमें मिली थी, आगे सिसु की ओर जाएंगे, सिसु से आगे जाएंगे, आगे अभी ये जो गांव दिख रहा है शशिन विलेज है, तो वहां पे स्नो कम होती जाएगी आगे आगे। और ये रोड के बहुत बढ़िया नज़ारे, बेहतरीन नज़ारे, और ये देखिए आगे के व्यू बहुत सुंदर होते जाते हैं। बर्फ कम होती जाएगी लेकिन अलग अलग डिफरेंट व्यूज आपको मिलेंगे, आसमान बिल्कुल क्लियर मिलेगा, बादल बिल्कुल सफ़ेद, और काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी यहाँ पे है। और ये सिसु से थोड़ा सा आगे गांव है, शशिन गांव है ये, और सिसु का ही वैसे पार्ट है, ये सिसु का रेस्ट हाउस है जो अभी वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और अभी जितने भी यहाँ पे मकान है, काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी यहाँ पे है, और अभी यहाँ पे ये देखो गांव के लोग अभी रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि अभी ओपन हो चुका है 4x4 व्हीकल के लिए, इसलिए अभी रास्ता बना रहे टूरिस्ट के लिए। ये यहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सिसु विलेज का, यहाँ पे होटल एलियास, उसके बाद द बुलेवर, तो काफ़ी सारे यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस हैं, और बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आता है। मनाली के कंपेरेटिव टैरिफ यहाँ का हाई रहता है, 2-2.5 हज़ार से रूम्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, जो मनाली के अंदर आपको 1000 रुपये में बहुत अच्छा रूम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे रेंट थोड़े से हाई है, लेकिन इस व्यू के लिए आप यहाँ पे स्टे बुक कर सकते हैं। और ये मशीनें हैं कुछ जो रोड से स्नो वगैरह हटाने में यूज़ होती है, और ये होटल, इसका वीडियो हमने पहले डाला था, प्लम धारा होटल है, इसका वीडियो भी डाला था। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी होटल को आप ऑनलाइन या डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये यहाँ का राजा घेपन मंदिर है, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है, और स्नो का देवता इनको राजा घेपन जी को माना गया है।
और अभी थोड़ा सा आगे तक हम लोग चलेंगे और फिर वहां से रिटर्न करेंगे मनाली की ओर, और यहाँ के बाद आगे किसी दिन फिर जाएंगे जहाँ पे आपको सिसु से आगे के लोंग वगैरह के रोड कंडीशन जिसके अंदर हम लोग दिखाएं। तो यहाँ हम लोग सिसु से थोड़ा सा आगे तक आए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे होमस्टेज, काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पे रुक सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे कैफ़े और रेस्टोरेंट थे तो वो सारे के सारे अभी ओपन किए जा रहे हैं, उनके आगे से बर्फ़ हटाई जा रही है। तो आप लोग अभी यहाँ का प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए कुछ और होटल्स है, और ये देखो गाय कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे अपनी छोटी सी बच्ची के साथ। अभी यहाँ से हम लोग रिटर्न जाते हैं मनाली की ओर। ये शिशु से थोड़ा सा आगे एक पानी का भी सोर्स है जहाँ से पानी बहता है, और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप जा सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर बर्फ़ की शेप बनी हुई आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये वाटरफॉल भी है छोटा सा नीचे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जाया जा सकता है। और ये बीच में छोटे छोटे पैचेज है जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, बाकी 90% रोड बहुत अच्छी अभी कंडीशन में है। ये ब्रिज के पास थोड़ा सा रोड कच्चा था जहाँ पे मिट्टी वगैरह थी, बाकी तो ये देखो रोड बिल्कुल साफ है। और यहाँ पे ये गांव है शिशु गांव, ये देखिए काफ़ी सारी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी है, और ये बैरियर है यहाँ पे, तो पुलिस वाले यहीं पे रोकते थे भी कुछ दिन पहले तक। तो सामने से गाड़ी आ रही है, उसकी पासिंग के लिए रुकते हैं, वो हमसे भी पीछे रोक रहे हैं गाड़ी। अभी यहीं तक आना होगा शायद इनको। तो यहाँ से अभी हम लोग रिटर्न जाते हैं, और रिटर्न में अटल टनल यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 6 से 7 किलोमीटर दूर है लगभग अटल टनल। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी देखने को मिलेगी आपको, और ये वाटरफॉल आता है बीच में जहाँ पे खड़े होके ज़्यादातर लोग जो है फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। और सुबह हम आए थे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये स्नो से कुछ शेप्स बनी हुई थी जो अभी पिघल चुकी है, और रात को फिर से वो जम जाएगी। और यहाँ पे ये छोटा सा पैच है जो कि यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुआ था जुलाई की बाढ़ के अंदर, तो यहाँ पे अभी दोबारा से काम चालू हो गया है। स्नो के दौरान तो ऊपर से मिट्टी वगैरह आती रहती है जिस वजह से यहाँ पे काम रुक जाता है, तो अभी फिर से ये जो है रोड पे काम स्टार्ट हो गया है। जब हम लोग सुबह आए थे तो लेबर लगी हुई थी जो रोड पे से जितने भी गड्ढे थे उनको पत्थर वगैरह डाल के ढक रहे थे, और इस पैच के दोनों साइड पुलिसकर्मी खड़े हैं जिससे जो है यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना आए। अभी तो बहुत कम व्हीकल आए, केवल 4x4 आए हैं, नहीं तो 1 साइड करके यहाँ पे व्हीकल्स को निकाला जाता है, और केवल 50-60 मीटर का ये पैच है, उसके बाद रोड्स ठीक है। ये ख़त्म हो गया, ये देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी बैठे हैं आपकी सेवा में, टूरिस्ट को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यहाँ से फिर से ये पक्का रोड शुरू हो गया है बिल्कुल, और पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और रोड के साइड में जो ये पेड़ है इनके बीच में स्नो है, तो अच्छे व्यू है यहाँ के। और मनाली से थोड़े डिफरेंट है ये, मनाली में ग्रीनरी दिखती है और यहाँ पे बिल्कुल सूखे पहाड़ और सूखे पेड़, अभी कुछ दिनों में पत्ते आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। सिसु से 1-1.5 किलोमीटर जब आप अटल टनल की ओर आते हैं तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स खड़े रहते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं, काफ़ी फेमस ये स्पॉट है, और शूटिंग वगैरह के लिए इससे बेस्ट लोकेशन यहाँ पे हो ही नहीं सकती। एक तरफ ये चंद्रा नदी बहती है, ये देखिए काफ़ी सुंदर, और यहाँ पे बीच में ये स्नो इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे प्री वेडिंग शूट और कुछ मूवी की शूटिंग होते हुए बहुत बार हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे भी आया जा सकता है रिवर के बाजू में बैठ के। ऐसे तो रिवर के पास आप वहाँ सिसु लेक के पास भी उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ के नज़ारे अलग है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ दिखता है, पानी का वॉल्यूम काफ़ी कम है, डूबने के चांस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे खूब मस्ती आप कर सकते हैं आके। और यहाँ से आगे भी अटल टनल की ओर जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं रोड के साइड में 20 से 25 फीट स्नो। और अभी हम अटल टनल के पास पहुँचने वाले हैं, और बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि कौन सा समय सही होता है यहाँ आने का, तो कई लोग रोहतांग का वेट करते हैं, और रोहतांग ज़्यादातर लोग ऐसी वीडियोस होती है जो वायरल होती है और जिनको देख के लोग आते, रोड के दोनों तरफ
20 से 25 फीट स्नो जो आप देखते हो। और अभी रोहतांग ओपन होने की जरूरत नहीं है, आप वेट मत कीजिए रोहतांग ओपन होने का। ये देखिए अभी यहाँ पे 25 से 30 फीट बर्फ आपको इस पॉइंट पे मिल जाती है जब आप अटल टनल से सिसु की ओर जाते हैं। यहाँ पे रिटर्न में भी हमने ट्रक का वीडियो डाला था, ट्रक एक जो हमसे आगे आगे चला था। और यहाँ पे एक पैच नहीं है, ये तो सेकंड पैच था, एक और पैच अभी आएगा बीच में ऐसी बर्फ का, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी वीडियो ये कंटिन्यू ही रखते हैं क्लिप। तो ये देखिए दोबारा से वो पैच आ गया है जहाँ पे फिर से आपको 20 से 25 30 फीट तक स्नो यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। और ये देखिए अटल टनल का बोर्ड भी अभी सामने दिख रहा है, अटल टनल यहाँ से दिखाई देने लगी है। तो अटल टनल से केवल 400-500 मीटर ही आपको आना है इस नज़ारे के लिए, तो आप अटल टनल से वापसी मत जाइए, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आप आइए। और यहाँ पे देखिए टूरिस्ट ले रहे हैं बहुत अच्छी बर्फ का मज़ा। और ये देखिए फिर से वैसे ही पैच जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है, और सामने फिर अभी हम अटल टनल पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ग्राम्फू 13 किलोमीटर है, कोक्सर से आगे ग्राम्फू पॉइंट है जहाँ से लाहौल के बाद स्पीति वैली शुरू होती है। अभी हम लोग लाहौल वैली के अंदर है, और स्पीति वैली जिसको जाना है अभी तो वो क्लोज है, कुछ दिनों में अभी कोक्सर के रास्ते ओपन होंगे, कोक्सर के बाद फिर ग्राम्फू तक, और उसके बाद मई के आसपास जाके ओपन होता है स्पीति। तो स्पीति का व्यू भी बहुत सुंदर है, तो स्पीति भी आप लोग जाइए, मई जून में प्लान कीजिए। और यहाँ पे अभी सुबह आए थे गाड़ियाँ कम थी, अभी तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लग चुकी है, अब तो पार्किंग की भी जगह नहीं दिख रही। और ये कुछ लोकल गाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो आसपास यहाँ के गांव हैं, तो वो लोग भी अभी अटल टनल देखने पहुँचे हैं। तो आप सिसु से अटल टनल आइए, अटल टनल के पास भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी आपने सिसु लेक के पास, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये देखी, यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चंद्रा रिवर के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, जाइंट स्विंग, जिप लाइन, एटीवी बाइक राइड, स्कीडू और स्की। तो ये एक्टिविटीज़ आप सोलांग में भी कर सकते हैं, और अटल टनल के पास भी ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों तक यहाँ पे ये स्नो बचेगी अभी। और ये पहुँच गए हम अटल टनल के पास, यहाँ पे गाड़ियाँ तो आप पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग वहाँ पे है उस साइड। और ये देखिए यहाँ पे आप पैदल आके फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से अटल टनल शुरू हो जाता है। और ये अभी हमने अटल टनल क्रॉस किया है, और ये देखिए अटल टनल के साउथ पोर्टल जो कि मनाली की साइड है, यहाँ पे नॉर्थ पोर्टल से ज़्यादा स्नो है इस टाइम पे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्नो है इस गेट के पास, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी रुकी है, और टूरिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं फोटोज़ अटल टनल के साथ। और ये देखिए सामने का व्यू भी बहुत सुंदर, अभी क्लाउड्स की वजह से, और बहुत सारी गाड़ियां यहां पे रुकी है। और देखिए ऊपर पेड़ कितने सुंदर यहां से दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहां से तो सीधे ही चलते जाते टाइम हम लोग रुके थे, अभी चलते यहां से सोलांग वैली की ओर, और सोलांग वैली की भी स्नो इस वीडियो के अंदर आपको दिखा देंगे जाते हुए। और ये देखिए धुंधी ब्रिज से काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं, ये पूरी की पूरी वैली, ये सोलांग वैली स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, थोड़ा आगे सोलांग वैली का एक्टिविटी ग्राउंड आता है, और बहुत बढ़िया बर्फ यहाँ पे है। ये देखिए 2 से 2.5 फीट बर्फ है, और ऊपर से व्यू काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे अभी लगा है हल्का सा ट्रैफिक जैम, क्योंकि यहाँ से सिंगल होके गाड़ियाँ निकलती है। और ये बीच में यहाँ से ये नदी बहती है, तो पानी की आवाज़ भी काफ़ी बढ़िया आ रही है यहाँ पे। और ये सामने कोई बाइकर भी चले हैं, ये शायद ऊपर अटल टनल से आए हैं। वैसे तो 2-व्हीलर और 4x2 कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, तो या तो यहाँ पे ये काम वगैरह करते होंगे, तो उस वजह से ये आ पाए हैं यहाँ तक।
और ये आगे बीआरओ की गाड़ी है जो रोड से बर्फ हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये धुंधी ब्रिज से थोड़ा आगे चल के भी काफी ज्यादा बर्फ अभी है सोलांग वैली और अटल टनल के बीच में। ये कैफे बीआरओ से थोड़ा सा आगे हम चले हैं और ये देखिए अभी टूरिस्ट की मस्ती। अभी यहाँ पे 4x4 व्हीकल्स ही चले हैं। ये बीच में कुछ लोकल गाड़ियां आप देख सकते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो सिसु या कोक्सर विलेज वालों की है, तो उन गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा। बाकी तो नॉर्मल सारी की सारी गाड़ियां अभी यहाँ पे रोक दी जाती है सोलांग वैली में। तो ये यहाँ का बैरियर है जहां से आगे नॉर्मल व्हीकल नहीं जा सकते। अभी 4x2 या 4x4 कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। और ये है अभी सोलांग वैली का एक्टिविटी ग्राउंड। तो काफ़ी अच्छी स्नो अभी यहाँ पे है। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अभी बादल हो गए हैं। और ये देखिए बारिश के चांस तो कम है आज। और काफ़ी अच्छी स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, जोर्बिंग बोल, स्कीबी डू, ATV राइड, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आप लोग सोलांग वैली में स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग रिटर्न जाते हैं मनाली के लिए और बीच में देखते हैं कोई और अच्छा पॉइंट आता है तो वहाँ का वीडियो भी हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे। जाते हुए हम लोग जल्दी निकले थे तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। और अभी यहाँ पे लगभग आधे पौने घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। अब जाके ट्रैफिक खुला है। और ये देखिए अभी जो लोग सोलांग वैली लेट आ रहे हैं वो अभी तक लाइन में लगे, एक्टिविटी ग्राउंड की तरफ भी नहीं पहुंचे हैं। और अब आइडिया लगा लो इससे कि क्या एक्टिविटीज का मजा ले पाएंगे। तो आप जब भी आते थोड़ा जल्दी कोशिश करिए निकलने की। तो नेहरू कुंड के पास हम लोग अभी रुके हैं। यहाँ पे रिवर साइड में बहुत अच्छा पॉइंट था, लंच के लिए हम रुके हैं, कॉफ़ी वगैरह बनाने रख दी है। यहाँ नेचर के बीच में बैठ के हम लोग मज़ा लेंगे खाने का। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो मनाली के अपडेट्स के लिए, और यूँ ही प्यार अपना देते रहिए ताकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मनाली के आसपास के आपको इस चैनल के ज़रिए टाइम टू टाइम दिखाते रहें।